देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दीपावली कहा भारत को है अपने सशस्त्र बलों पर गर्व हरियाणा पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान के तहत महिलाओं को दी दीपावली की बधाई मुख्यमंत्री ने इस सराहनीय पहल का किया स्वागत और दीपावली के पर्व पर, पर कैथलवासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देश में निर्मित सामान की खरीददारी की कहा प्रधानमंत्री के मंत्र वोकल फॉर लोकल को करना है सार्थक नमस्कार मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अब समाचार विस्तार से देश भर में आज दीपावली का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ये त्यौहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है इस अवसर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि मैं सभी देशवासियों और विदेशों में बसे सभी भारतीयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ विभिन्न धर्मों और पंथों के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला ये पर्व देश के लोगों की एकता सद्भावना और भाईचारे को मजबूत करता है ये पर्व हमें मानवता की सेवा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है उन्होंने कहा कि आइए संकल्प करें कि जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अनेक दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है उसी प्रकार से हम समाज के निर्धन बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में आशा और समृद्धि का दीप बने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी दीपावली के पर्व पर, पर देशवासियों को और विदेशों में रह रहे, रहे भारतीयों को बधाई दी उन्होंने कहा कि पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और भगवान राम के जीवन के नेक आदर्शों और सद्गुणों से हमारे विश्वास की पुनः पुष्टि करता है ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हमें आसुरी शक्तियों का निरंतर दमन करने और समाज में भलाई और सद्भाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं ये त्यौहार लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाए और सभी स्वस्थ व समृद्ध रहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली का त्यौहार देश के सैनिकों के साथ राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला की अग्रिम चौकी में मनाया और जवानों का हौसला बढ़ाया प्रधानमंत्री ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी इस अवसर पर सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो देश की रक्षा साहसपूर्वक करते हैं मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हर वरिष्ठ जन का मैं आपके लिए आशीष लेकर के आया हूं मैं आज उन वीर माताओं बहनों और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनके त्याग को नमन करता हूं जिनके अपने बेटे हो या बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात है भारतीय सैनिकों की वीरता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे हिमालय की चोटियां हो रेगिस्तान हो घने जंगल हो या फिर समुद्र की गहराई हो हमारे सैनिक हमेशा हर चुनौती पर विजय पाते हैं हिमालय की बुलंदियां हो रेगिस्तान में बालू के ढेर हो घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रणनीति साफ है आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है लेकिन हमें आजमाने की कोशिश की गई तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा आज भारत की रणनीति साफ है भारत की रणनीति स्पष्ट है आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है समझने की भी और समझाने की भी लेकिन अगर लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई दी उन्होंने दीपों के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से कामना की कि इस उत्सव सभी जीवन में नया प्रकाश लेकर आए और प्रदेश सदा सुख समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित रहते हुए भारत के मानचित्र पर अपनी चमक बिखेरता रहे अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना काल चल रहा है इसीलिए अपनों का ख्याल रखें मास्क पहनें दूसरों से उचित दूरी बनाए रखें मिट्टी के दिए जलाएं इस पर्व पर आतिशबाजी न करें ताकि वातावरण प्रदूषित न हो उन्होंने राज्य के भी लोगों से आपस में प्रेम सद्भाव और भाईचारे के साथ मिलजुलकर रहने का संदेश दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ट्वीट कर कहा कि घर में मौजूद औरत ही लक्ष्मी है उन्होंने कहा कि घर की लक्ष्मी का सम्मान करने के संदेश के साथ शुरू हुई हर घर लक्ष्मी जैसी सराहनीय पहल का मैं स्वागत करता हूं महिलाओं को दुर्गा शक्ति ऐप और महिला पुलिस थाना के बारे में जागरूक करने पर मैं महिला पुलिस का धन्यवाद करता हूं हरियाणा पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान के तहत प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर महिलाओं को दीपावली की बधाई दी और उन्हें महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में जागरूक किया पलवल में थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि महिलाएं दुर्गा शक्ति ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल कर पुलिस की मदद ले सकती है ये हमारा एक कार्यक्रम था जी, घर घर लक्ष्मी का कार्यक्रम था जिसमें हमने अचानक आ, किसी भी घर में जा कर के आ, उसमें बैल बजाई तो बैल बजने के बाद जैसे कोई आदमी औरत बाहर आई है तो हमने उनको मिठाई की मिठाई दी खिलाई है और आ, दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं और उनसे कहा कि भाई जो महिला के लिए कोई भी आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो हमारा महिला थाना और हमारी महिला पुलिस आपके साथ चौबीसों घंटे तैयार है स्थानीय महिलाओं ने इस अभियान को पुलिस का सराहनीय कदम बताया उन्होंने कहा कि हर घर लक्ष्मी अभियान के तहत महिला सुरक्षा के बारे में भी पुलिस अधिकारियों से उन्हें जानकारी मिली है हमें दिवाली की शुभकामनाएं दी और जो ये दुर्गा शक्ति ऐप है इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी दी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए आपको घरेलू हिंसा है या कोई आपको छेड़छाड़ करता है एनी कोई भी प्रॉब्लम जो लेडीज़ को अक्सर होती है तो बस इसी के बारे में हमें उन्होंने अवगत कराया शक्ति महिला थाने से हमारे यहाँ लेडीज़ पुलिस आई और हमें मिठाई देके गई हमें बहुत अच्छा लगा दुर्गा ऐप के बारे में हमें बताया मतलब लेडीज़ घर की लक्ष्मी होती है इस चीज़ इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र कि हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है यानी हमें लोकल उत्पाद खरीदने हैं और उनका प्रचार भी करना है प्रधानमंत्री के इस मंत्र को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और दीपावली के पर्व पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोकल सामान खरीद रहे हैं कैथल में खरीदारी करने आए आमजन का कहना है कि कोविड 19 की अनुपालना कर रहे हैं और उनका लक्ष्य लोकल माल खरीद लोकल दुकानदारों को लाभ पहुंचाना है उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था का स्तर ऊंचा होगा और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और मजबूत होगा लोगों के माइंड में एक ये वेव चल रही है कि हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है तो इंडिया की इकोनॉमी को ऊपर लेके आना है तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग मेड इन इंडिया जो यहाँ का बना हुआ माल है उसको लोग यूज कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा ही प्रोग्रेसिव रही है और हमेशा वो प्रैक्टिकली जो देश के लिए देश हित के लिए अच्छा होता है हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं अपने छोटे व्यापारियों को मदद करने के लिए जो वो गुड्स बनाते हैं जैसे दिए वगैरह उनसे खरीदने चाहिए ताकि उनका भी ये हमें ये मोटिव लेके चलना चाहिए दिवाली खुशियों वाली ताकि हम सब मिल दिवाली मिला सके और इस देश का भी इकोनॉमिक कंडीशन में भला हो और हमें जो चाइनीज गुड है उनको त्याग कर हमें इंडियंस गुड की तरफ जाना चाहिए हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बाहर से अगर चीजें हम लेंगे तो चाहे हमारा किसान है है या जो उद्यमी तो तो वो वो किस प्रकार से फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो पहले भी मुख्यमंत्री हम... मनोहर लाल ने आज बाल दिवस के अवसर पर सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं आइए बाल दिवस पर हम सभी प्रत्येक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा पोषण सुरक्षा और देखभाल करने का संकल्प लें केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कोरोना मामलों में वृद्धि होने की आशंका जताए जाने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आगामी तीन माह और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने हिस्सा लिया इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए जिला स्तरीय आईईसी अभियान लागू किया जा रहा है उन्होंने बताया कि नवंबर से हरियाणा में स्कूल और कॉलेज खोले जाने हैं इसके लिए भी हम योजना पर काम कर रहे हैं ताकि सार्वजनिक वाहनों में बच्चों के एक साथ जाने के कारण कोविड के मामले ना बढ़ें सोशल मीडिया प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य की प्राचीन धरोहरों को पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर लाने की पहल करें इसमें कुरुक्षेत्र लोहगढ़, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता से जुड़ी धरोहरों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री कल राखी गढ़ी पर बनाए गए विशेष आवरण को जारी करने के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हरियाणा में सौ से अधिक ऐसे स्थल हैं जिनका ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व है उन्होंने कहा कि ऐसे स्थलों को सहेज कर रखने और इन्हें विकसित करने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख साम्राज्य के पहले सेनापति बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी उसकी शुरुआत हरियाणा से हुई थी और उनकी राजधानी लोहगढ़ यमुनानगर को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की पहल की गई है वहाँ पर एक संग्रहालय और मार्शल आर्ट स्कूल की स्थापना की जा रही है इसके अलावा सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री को भी भव्य रूप दिया जा रहा है कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क हमेशा सही ढंग से पहने दो गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं अंत में इस के मुख्य समाचार एक बार फिर देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का त्यौहार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में सैनिकों के साथ मनाई दीपावली कहा भारत को है अपने सशस्त्र बलों पर गर्व हरियाणा पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान के तहत महिलाओं को दी दीपावली की बधाई मुख्यमंत्री ने इस सराहनीय पहल का किया स्वागत और दीपावली के पर्व पर, पर कैथलवासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देश में निर्मित सामान की खरीददारी की कहा प्रधानमंत्री के मंत्र वोकल फॉर लोकल को करना है सार्थक समाचारों में आज इतना ही नमस्कार